Hey guys, welcome to Wi-Fi Study, changing the view of learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल Wi-Fi Study पे। तो guys, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 5 बजे दोस्तों मंडे टू मंडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे, शेयर करते होंगे ताकि सभी बच्चे देख सकें और अपनी डे बाय डे दोस्तों इंप्रूवमेंट है जो कि अपनी नॉलेज के अंदर कर सके। तो दोस्तों चलते हैं, आने वाले 15 से 20 मिनट के अंदर मैं आपको 12 से 13 महत्वपूर्ण सवाल है जो कि हम लोग क्विकली एक बार देखेंगे कि आज कैसे सवाल है जो कि बन सकते हैं। और आज संडे है तो सुबह 8 बजे वाला सेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लाइव लेके आने वाला हूँ सुबह 8 बजे। कौन सा? मंथली वन लाइनर। ठीक है, मंथली वन लाइनर है जो कि हम लोग देखने वाले हैं सुबह 8 बजे। तो लाइव जरूर आ जाइएगा, इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों आप लोगों के लिए। साथ में दोस्तों अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है और अगर आपको अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है, चाहे फिर वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूजीसी हो, कोई सा भी हो, तो आप BHU NESH भुवनेश्वर यूज कर सकते हैं। 10% ऑफ और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेज है जो कि आपको यहाँ पे मिल जाती है। SSC, बैंक, रेलवे, चाहे कोई सा भी हो। साथ में दोस्तों अगर अभी तक आपने फाउंडेशन बैच ज्वाइन नहीं करा है मेरा दोस्तों, जिसमें आपको इंडिया के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए GK प्रिपेयर करवा रहा हूँ, जिसमें मई के अंदर मैंने आपके लिए स्टैटिक GK से शुरुआत करी है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मात्र 450 रुपये पर मंथ में आपको SSC कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन लेना है। ठीक है, उसके अंदर आपको मैथ, रीजनिंग, GK, GS, इंग्लिश की सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। जून में साइंस कराऊंगा, जुलाई में हिस्ट्री, अगस्त में पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, उसके बाद में ज्योग्राफी, उसके बाद में 1000 हाई क्वालिटी GK क्वेश्चंस। तो अभी मैंने स्टैटिक GK से शुरुआत कर दी है, ज्वाइन कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने के अंदर। मेरे अलावा जितने भी वाई फाई स्टडी के टीचर्स हैं सभी आपको SSC कैटेगरी के अंदर सबकी क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। विश्व थैलेसीमिया दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? थैलेसीमिया दिवस के बारे में आपको बताना है तो 8 मई को दोस्तों मनाया जाता है। ठीक है गाइस, थैलेसीमिया डे आप देख सकते हैं, दुनिया में ब्लड का डिसऑर्डर होता है दोस्तों, उसकी अवेयरनेस के लिए इसकी शुरुआत करी गई थी। थीम रखी गई है द डाउनिंग ऑफ ए न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया, ये थीम है दोस्तों जो कि इस बार रखी गई है। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं थैलेसीमिया क्या होता है, एक ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर आपकी बॉडी जो है लेस होमोग्लोबिन बनाती है नॉर्मल से। ओके, और ये नॉर्मली दोस्तों फीमेल्स के थ्रू पास होता है। हेमोग्लोबिन आपको मालूम है एक प्रोटीन होता है जो कि अपने RBC रेड ब्लड सेल के अंदर होता है, जो कि अपने ऑक्सीजन को लेके जाने का काम करता है। ओके, जिनके बॉडी में, जिनके थैलेसीमिया की प्रॉब्लम होती है उनके अनीमिया की भी प्रॉब्लम होती है, यानी कि ब्लड जो के जो लेवल होता है वो कम होता है, लो लेवल ऑफ होमोग्लोबिन होता है। ठीक है, चलिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का विषय क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों माइग्रेटरी बर्ड्स, और साथ में हमारे लिए ये जानना कि वर्ल्ड माइग्रेटरी डे बर्ड कब मनाया जाता है। इस बार अगर मैं थीम की बात करूं तो थीम है आपकी बर्ड कनेक्ट आर वर्ल्ड, तो बी आपका यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है जो कि होगा। ठीक है गाइज, पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है, आप देख सकते हैं ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे दोस्तों सेलिब्रेट 9 मई को और साथ में 10 अक्टूबर को इस साल सेलिब्रेट किया जाएगा। और बर्ड कनेक्ट आर वर्ल्ड, ये दोस्तों थीम रखी गई है। ऑब्वियसली दोस्तों बर्ड हमारे दुनिया को, सब देशों को कनेक्ट करते हैं दोस्तों, डेफिनेटली करते हैं, और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है ना। तो UN दोस्तों क्या करता है, डेट डिसाइड करता है साल के अंदर दो पर्टिकुलर डेट, और इस बार मई और अक्टूबर के सैटरडे जो है सेकंड सैटरडे उस दिन ऑब्जर्व किया जाता है दोस्तों। ये 2006 के अंदर दोस्तों इन्होंने स्टार्टिंग करी थी। ठीक है, माइग्रेटरी स्पीशीज कौन से होते हैं दोस्तों, ये वो एनिमल होते हैं या फिर वो बर्ड होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह एक साल के अंदर ट्रैवल करते हैं। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, फूड की वजह से, सनलाइट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, क्लाइमेट की वजह से। ओके, बेसिकली जो है ये बर्ड ही होते हैं, एनिमल तो खैर बॉर्डर से एक दूसरी जगह पे जा नहीं पाते। ओके, और तीन इनके फ्लाईवेज होते हैं, एक तो सेंट्रल एशिया वाला एरिया होता है दोस्तों जो कि बर्ड यूज करते हैं, एक ईस्ट एशियन फ्लाईवे और एक ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन जो फ्लाईवे वो यूज करते हैं। अगर मैं इंडिया और साउथ एशिया की बात करूं तो नियर बाय 2000 स्पीशीज हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें से 350 ऐसे होते हैं जो कि एक से दूसरे देश में ट्रैवल करते हैं, जिसमें मेजरली आपने सुना होगा साइबेरियन क्रेन है दोस्तों। ओके, ठीक है, जो कि विंटर के अंदर इंडिया में आते हैं, फैल्कन है, ग्रेट फ्लैमिंगो है दोस्तों, क्रेन है, ब्लू थ्रॉट है, ये सभी हमको देखने को मिलते हैं। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल है ना, ग्रेटर फ्लैमिंगो, साइबेरियन क्रेन है, बार हेडेड गूज है। ओके, ये देखिए ये इनका पूरा पाथवे होता है, एक तो ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया है, ठीक है, एक ये मिसिसिपी अमेरिकन फ्लाईवे, इस तरीके से एरिया है इसके अंदर दोस्तों। ये जो आपको रेड वाला दिख रहा है वो एक एरिया है,
और येलो वाला दोस्तों आप देख सकते हैं कितने लॉन्ग जर्नी है जो कि ये येलो वालों ने ट्रैवल करी है। रेड वालों ने देखो बीच में ट्रैवल किया है ना, ये ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवेज होते हैं, ये ब्लू वाले एरिया है, इस तरीके से पूरे एरिया में लोग ट्रैवल करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने सरकारों, कंपनियों और अरबपतियों का आह्वान किया वे कमजोर देशों में कोरोना वायरस महामारी के लिए डैश निधि में योगदान दें। तो यूनाइटेड नेशन ने बोला है दोस्तों गवर्नमेंट को, कंपनियों को, बिलेनियर को कि सभी लोग मिलकर 6.7 बिलियन USD का कॉन्ट्रीब्यूशन करें दुनिया में कोरोना वायरस से लड़ने को लेकर। ठीक है गाइज, ओके। अब यूएन देखो, यूएस कितना 6.7 बिलियन के लिए बोला है ताकि यूएन के ह्यूमैनिटेरियन रेस्पॉन्स प्लान के अंदर कंट्रीब्यूशन करके कोरोना वायरस से लड़ सके। ठीक है, यूएन की बात करें आप सभी को मालूम है दोस्तों न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर है, 6 यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। हम लोग कोशिश कर रहे थे हिंदी को भी इंक्लूड करने की, लेकिन हिंदी हमारे यहाँ पे आपको मालूम है देश में हिंदी नहीं, बहुत सारे लैंग्वेजेस चलते हैं, इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। मेंबरशिप की बात करें 193 कंट्रीज मेंबर है, 2 ऑब्जर्वर। कभी भी आपसे पूछे कि दुनिया में कितने कंट्रीज हैं तो आपको गूगल पे बहुत अलग अलग डाटा मिलेगा, फीफा के तो 200 से भी ज्यादा सदस्य हैं, लेकिन दोस्तों दुनिया में जो कंट्री है वो कितने, 195 कंट्रीज है जो कि हम कहते हैं, 193 मेंबर है, 2 ऑब्जर्वर है, तो 195 कंट्रीज है जो कि हम ऑफिशियली बोलते हैं कि दुनिया में देश है। ठीक है, एंटोनियो गुटरेस आपको मालूम है सेक्रेटरी जनरल है, डिप्टी जो है अभी अमीना जे मोहम्मद है, प्रेसिडेंट जनरल असेंबली के मोहम्मद बंदे हैं। ठीक है गाइस, ये सारे डेटा भी आपको ध्यान रखना है। ओके, दुनिया में पीस के लिए वर्ल्ड वॉर 1-2 के बाद में इसको बनाया गया, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में लीग ऑफ नेशन बनाया गया था जो कि फेल हो गया वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद में। ठीक है, चलिए, एटा एक्वेरिट्स रिसेंटली दोस्तों न्यूज में है, ये दोस्तों क्या है, एक्वेरिट्स के बारे में बताना है। ये क्या है दोस्तों, ये एक धूमकेतु है। ओके, हेली धूमकेतु के कारण उल्का पिंड की जो है बौछार हुई है उसको हम दोस्तों एटा एक्वेरिट हमने नाम दिया है। मेटियोर शॉवर है जो कि हेले कॉमेट की वजह से दोस्तों हुआ है। आप देख सकते हैं सनराइज से 2 घंटे पहले हमारे इंडिया में या वर्ल्ड के अंदर आप लोग विटनेस करोगे एक मीटियोर की शॉवर जिसको हम एटा एक्वर्ट्स नाम दिया है हमने 28 मई तक। ठीक है, और ये किसके साथ में, हेले कॉमेट के साथ में एसोसिएटेड है। ठीक है गाइज, और आप इसको वॉच भी कर सकते हैं, और ठीक है अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे 28 मई के अर्ली मॉर्निंग पे आप देख सकते हैं। हेले कॉमेट क्या है दोस्तों, ये एक शॉर्ट पीरियड कॉमेट है जो कि विजिबल होता है अर्थ से हर 75-76 ईयर के अंदर। ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए दोस्तों अवेलेबल होता है, नेकेड आई से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, और एक आदमी जो है पूरी लाइफ में 2 बार ही इसको देख सकता है क्योंकि 75 साल में नजर आता है, तो 1 या 2 बार ही आप इसको देख सकते हो। ठीक है ना, ये हमारे सोलर सिस्टम का इनर पार्ट के अंदर इंक्लूडेड है, 86 में नजर आया था और अभी नेक्स्ट टाइम दोस्तों 61-62 के अंदर नजर आएगा। ठीक है, चलिए आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से 85 के अंदर, 87 में, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट के अंदर दोस्तों ये हमको देखने को मिलता है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ईयर की अगर मैं बात करें, लास्ट जो है इनर पार्ट में सोलर सिस्टम 86 में अवेलेबल हुआ था, और अब सेम गैलेक्सी के अंदर जो है वो कब अवेलेबल होगा, 61-62 के अंदर होगा। ठीक है, सेम गैलेक्सी के अंदर मतलब 75 साल बाद में आता है, समझ रहे हो, और इस बार आपको देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी ने महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करी। हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने वर्ष डैश में लड़ा था। महाराणा प्रताप को दोस्तों श्रद्धांजलि दी गई है। और हल्दीघाटी के युद्ध की बात करें तो ये युद्ध दोस्तों 1921 के अंदर लड़ा गया था। ठीक है, सॉरी 21 में नहीं था, 1576 में, 1576 में दोस्तों ये युद्ध है जो कि लड़ा गया था। आप देख सकते हो महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो 9 मई 1540 के अंदर हुआ था। 13वें राजपूत किंग थे दोस्तों मेवाड़ के। ओके, 1540 के अंदर इनका जन्म हुआ, किसके घर पे, उदय सिंह द्वितीय और क्वीन जयवंता बाई जी के घर पे। बैटल ऑफ हल्दीघाटी की बात करें तो महाराणा प्रताप जी और साथ में जो अकबर की फोर्सेस थी जिसको किसने लीड किया था, मान सिंह प्रथम ने लीड किया था आमेर के। ओके, और 1576 में दोस्तों ये युद्ध हुआ था। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे 1576 मैंने लगा दिया है, और मुगल के द्वारा दोस्तों ये लड़ाई जीत ली गई थी, लेकिन महाराणा जी ने दोस्तों सरेंडर नहीं किया था और वापस से दोस्तों जो है अपनी सेना बना के जो है वो वापस से जो है अपना एरिया एंड ऑफ द वॉर के टाइम पे दोस्तों जीत लिया था। ठीक है, चेतक उनका हॉर्स बड़ा फेमस था, उनका एलिफेंट का नाम था राम प्रसाद। ठीक है गाइस, जो कि उनकी लॉयल्टी के लिए काफी फेमस थे। ठीक है, पीएम मोदी ने ट्रिब्यूट दिया गोपाल कृष्ण गोखले जी की उनकी एनिवर्सरी पे। दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट गोपाल कृष्ण गोखले जी को लेकर सही नहीं है, प्रेसिडेंट बने दोस्तों आईएनसी के 2 बार, 10 और 24 में, गांधी जी उनको अपना मेंटोर और गाइड मानते थे, उन्होंने इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश किया था हितावत नाम का, और रनाटे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की भी शुरुआत करी थी। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे सारी बातें सही है, लेकिन ये आईएनसी के प्रेसिडेंट वाली बात है जो कि यहाँ पे गलत है। बाकी सारे यहाँ पे दोस्तों फैक्ट जो आपको नजर आ रहे हैं ना, वो सारे यहाँ पे दोस्तों सही है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले जी का रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में जो इनका जन्म हुआ, 1905 के अंदर गोखले जी प्रेसिडेंट बने आईएनसी के अंदर, और सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की शुरुआत करी, और बाकी सारे स्टेटमेंट दोस्तों सही है ना। मेजर रोल इन्होंने प्ले किया था मॉन्टे मिंटो रिफॉर्म के अंदर भी। गांधी जी अपना दोस्तों इनको आइडल माना करते थे, मेंटर और गाइड माना करते थे। न्यूज़पेपर पब्लिश किया, रनांडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की भी शुरुआत इनके द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था ने दवा माइक्रोबैक्टीरियम डब्ल्यू के प्रारंभिक सकारात्मक परिणाम दिया है। तो देखो माइक्रोबैक्टीरियम डब्ल्यू के ऊपर दोस्तों जो पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज है, ये एम्स भोपाल के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो आपको मालूम है कोरोना वायरस दोस्तों अपनी जड़ पकड़ रहा है, और आपको एक और न्यूज सुनाता हूँ दोस्तों, जो कि हमारे लिए जबरदस्त नेगेटिव न्यूज है एक तरीके से, कि हेल्थ मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी है लाल अग्रवाल, उन्होंने तो ये भी बोल दिया है कि हमें कोरोना वायरस के साथ में जीने की आदत डालनी पड़ेगी। यानी कि सरकार ने पूरी तरीके से हथियार जो है वो डाल दिया है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही बचा है कि जल्दी से जल्दी कोई ड्रग आ जाए, वैक्सीन आ जाए, और हम हमारे घर में रहकर सेफली जो है वो रह सके। वरना 2-3 महीने अगर कोविड हो गया, 2-3 महीने बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे आपके पढ़ाई में, या बहुत ज्यादा नुकसान होगा हेल्थ को लेकर, ठीक है। साथ में हर के घर के अंदर बुजुर्ग होते हैं, उनके बहुत नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों रिजल्ट हमको देखने को मिले हैं, और उनको एक इनिशियल ट्रायल हमको देखने को मिले जो कि पॉजिटिव यहाँ पे बताई जा रही है माइक्रोबैक्टीरियम डब्ल्यू को लेकर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है यार, कि अगर ऐसी कुछ गुड न्यूज आती है तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी कुछ ऐसा हो जाए तो यार इस प्रॉब्लम से जो है देश को छुटकारा मिले। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप है जो कि लॉन्च किया है। प्रवासी राहत मित्र ऐप की बात करें तो उत्तर प्रदेश बी आपका यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों इसको लॉन्च किया गया माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, ओके। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की बात करें 75 जिले हैं दोस्तों, आनंदीबेन पटेल गवर्नर है, योगी जी यहाँ पे सीएम है, 403 विधानसभा की सीट है, 80 लोकसभा, 31 राज्यसभा की सीट है। हिस्ट्री की बात करें तो 1 अप्रैल 1937 को यूनाइटेड प्रोविंस दोस्तों क्रिएट किया गया था ब्रिटिश रूल के टाइम पे आगरा और रोहतक का, बाद में इसका नाम बदल के उत्तर प्रदेश 1950 में कर दिया गया। 2000 के अंदर एक और नया राज्य बना उत्तराखंड दोस्तों, जो कि हिली हिमालय रीजन का था, और प्रेजेंट रूल उत्तर प्रदेश पे 10 टाइम दोस्तों इम्पोज किया जा चुका है टोटल 1700 दिनों तक। पहले सीएम थे गोविंद वल्लभ पंत जी और सरोजिनी नायडू जी दोस्तों पहली यहाँ पे गवर्नर हुआ करती थी। हालिया सर्वेक्षण के अनुसार पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या बढ़कर डैश हो गई है। तो एक और गुड न्यूज हमारे लिए दोस्तों, टाइगर बढ़ गए हैं 96 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स है दोस्तों, जो कि काइन टू में पता लगा है। लेटेस्ट सर्वे में 8 दोस्तों यहाँ पे इंक्रीमेंट है जो कि देखने को मिला है, ठीक है गाइस। चलिए आगे बात करते हैं, सुंदरबन की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हो 4000 किलोमीटर स्क्वायर से भी ज्यादा लंबा एरिया है जो कि हमको देखने को मिलता है, जिसमें मैंग्रोव कवर है 2000 का तो ओके, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव रिजर्व या फिर डेल्टा दोस्तों आपको मालूम है सुंदरबन डेल्टा ही है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी के अंदर में इसको इंक्लूड किया हुआ है, ओके। रिवर नाइल डेल्टा है दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना रिवर बनाती है, ठीक है गाइज, और काफी ब्यूटीफुल है। अगर आप कभी साउथ ईस्ट एशिया जाओगे ना बंगाल के ऊपर से, जैसे कि अगर मान लो आपने दिल्ली से फ्लाइट ली, अगर आपने दिल्ली से फ्लाइट ली और बंगाल के ऊपर से आप साउथ ईस्ट एशिया के किसी कंट्री में जा रहे हो, तो आपको दोस्तों फ्लाइट से नजर आते हैं मैंग्रोव, मतलब ये डेल्टा, मतलब ऐसे छोटे छोटे से बहुत सारे रिवर दोस्तों कट जाती है ना, ऐसे छोटे छोटे से बीच में यहाँ पे पाथ बने हुए मिलेंगे इस तरीके से, बहुत ब्यूटीफुल लगता है, ठीक है। तो एक बार जॉब वॉब लग जाओ, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लो, ट्रैवल करोगे तब आपको इस तरीके से नजर आएगा, ओके। बहुत ब्यूटीफुल नजारा नजर आता है, ये देखो इसके बारे में बात करो, मेरे पास ओरिजिनल फोटो भी है, ओके, लेकिन मैंने लगाना यहाँ पे भूल गया, तो यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको नजारा देखने को मिलता है, ये पूरा सुंदरबन का एरिया बहुत ब्यूटीफुल है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के जीडीपी वृद्धि को घटाकर कितना कर दिया है। तो एक और दोस्तों बैड न्यूज ये है कि मूडी ने बोला है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी 0% के लिए बोला है 2020-2021 के अंदर, ठीक है आप देख सकते हो, ओके। हालांकि पॉजिटिव हमारे लिए ये है कि अगला 2021-22 के लिए बोला है कि बाउंस बैक करेंगे और 6.6% हमको देखने को मिलेगा। प्रीवियसली दोस्तों कोविड-19 से पहले जो बताया गया था वो 2.6% बताया गया था, ठीक है। आपको मालूम है जो भी चीज इक्वल जितनी नीचे जाती है ना उतनी तेजी से ऊपर भी आती है, ओके। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि 21-22 के अंदर दोस्तों 6.6 ग्रोथ रेट हो जाएगी, और अगर नहीं होती, अगर हम लोग यू कर्व पे जाते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा।
सरकार को ये जरूरी है कि एग्जिट प्लान जो है वो बढ़िया हो एक तो, ओके लोगों के हाथ में पैसा जाए, सारे जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास है तो इकोनॉमी वापस से बाउंस बैक हो। ठीक है, करंट की बात करें दोस्तों तो जितनी एजेंसीज के द्वारा फोरकास्ट करी गई है करंट जीडीपी वो बता देता हूँ। फिच ने 0.8 बोली है, आईएमएफ ने 1.9, वर्ल्ड बैंक ने 1.5 से 2.5 के बीच में, एडीपी ने 4%, 2% बोली आईसीआरए के द्वारा और नामूरा के द्वारा 4% है जो कि बताई गई है। ठीक है, लोवेस्ट ग्रोथ रेट भारत में जो आज तक हुई है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या भारत में इतनी ग्रोथ रेट कम हुई है, डेफिनेटली हुई है दोस्तों। वॉर जब हुई थी ना, जैसे कि वॉर के बाद में 65 कि वॉर के बाद में 2.6 थी, अगले साल 0.1 थी, ओके 57 में 0.4 थी, 72-73 में 0.6% थी, जब अकाल पड़े थे है ना 79-80 में भी 5.2 थी, ये तो फिर भी ठीक है, ये हमारे पहले भी दोस्तों लोवेस्ट जीडीपी रह चुकी है देश में। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से किस है, यहाँ पे बृहन्मुंबई नगर निगम के आयुक्त के रूप में नियुक्त है जो कि किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बृहन्मुंबई की बात करें, बीएमसी जो यहाँ पे दोस्तों चेयरमैन बनाए गए हैं, ओके कमिश्नर जो बनाए गए हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है दोस्तों इकबाल सिंह जी। ठीक है, तो इकबाल सिंह चहल जी को दोस्तों अपॉइंट किया गया है बीएमसी के न्यू कमिश्नर। ठीक है गाइज, बृहन्मुंबई महानगर पालिका दोस्तों हम इसको कहते हैं। ठीक है गाइस, बीएमसी की बात करें तो गवर्निंग सिविक बॉडी है मुंबई की, आपको मालूम है जब बारिश बारिश होती है प्रॉब्लम्स आती है तो बीएमसी काम संभालती है। इंडिया के रिचेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है दोस्तों, एनुअल बजट दोस्तों कई सारे स्मॉल राज्यों से भी बड़ा है इसका। ठीक है, पहली फीमेल कॉर्पोरेट है 2015 के अंदर दोस्तों यहाँ पे तृष्णा जो है वो बनी थी। ठीक है गाइस, एक आईएएस ऑफिसर है जो कि इसको हेड करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे फेसबुक इंक के क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट लिब्रा के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। लिब्रा आपको मालूम है फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी है और यहाँ पे दोस्तों जो अभी बनाए गए हैं कौन हेड बनाए गए, यहाँ पे स्टुअर्ट को बनाया गया है ना, तो बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो की हो जाएगा। ठीक है, लिब्रा आपको मालूम है वर्चुअल करेंसी है दोस्तों जो की फेसबुक के द्वारा लॉन्च करी गई, ट्रांजेक्शन के अंदर काम आएगी दोस्तों, ये आती है और कई सारे बैंक जो है वो गवर्नमेंट भी इसको एक्सेप्ट करती है, ओके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको काम किया जाता है और डेडिकेटेड वॉलेट भी है इसका कैलिब्रा नाम से दोस्तों, है ना, इसको व्हाट्सएप के अंदर और मैसेंजर के अंदर भी दोस्तों जल्दी काम में लिया जा रहा है लिब्रा कॉइन्स के तौर पे। हाल ही में नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ने अनुसंधान कार्य के लिए निम्नलिखित प्रयोगशालाओं में महत्वपूर्ण विशेषात्मक कार्य के माध्यम से कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई का योगदान दिया। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च डैश में है, तो ये कहां पर है दोस्तों, नेशनल सेंटर फॉर पोलर रिसर्च एंड ओशन ये कहां पर है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलती है कहां पे, गोवा के अंदर, तो आपका सी आपका यहां पे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये किस लिए है, ये हमारे पोलर रीजन ओशन रीजन के रिसर्च के ऊपर काम है जो कि करते हैं, ओके तो ये लोगों ने लेबोरेटरी के अंदर भी काम करना स्टार्ट किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों एनसीपीओआर की बात करें तो ऑटोनोमस रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि अर्थ साइंस के द्वारा 1998 में बनाया गया, गोवा में लोकेटेड है, ओके इसके अलावा मैत्री भारती है ना हिमाद्री ये सब दोस्तों इनके द्वारा है बनाया गया अर्थ साइंस के द्वारा। आपको मालूम है अंटार्कटिक की बात करें तो हमारे वहां पे मैत्री है, भारती है, ओके और एक और बताइए नाम, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा, एक और रिसर्च स्टेशन है थर्ड उसका नाम क्या है जो कि अंटार्कटिक के अंदर है, भारती और मैत्री मैंने आपको बता दिया। आर्कटिक में बात करें तो अपना हिमाद्री है, ओके ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करें गोवा की बारे में, मालूम है आपको 87 में स्टेट बना, दो यहाँ पे जिले हैं नॉर्थ गोवा साउथ गोवा, सत्यपाल मलिक जी गवर्नर, प्रमोद जी सीएम है, 40 यहाँ पे विधानसभा की सीटें, दो लोकसभा और एक राज्यसभा की सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको मालूम है कि अगर आप अनअकैडमी पे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो रेफरल कोड आपको लगाना है दोस्तों भुनेश10 BHUNSN, आपको 10% ऑफ और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी दोस्तों। इसके अलावा फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों, जबरदस्त कोर्स है, आने वाले 6 महीने के अंदर आपकी जीके दोस्तों आसमान छू जाएगी मैं बता रहा हूँ। मेरे अलावा आपको मैथ रीजनिंग इंग्लिश और जीएस की सारी क्लासेस वाईफाई स्टडी के सारे एजुकेटर की तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन ये मेरा दोस्तों पूरा शेड्यूल है आने वाले 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए दोस्तों आपको SSC का सब्सक्रिप्शन लेना है और आपको इतना जबरदस्त जीके करवा दूंगा कि आप देश में कोई भी एग्जाम दे रहे हो आपको वहां पे जबरदस्त परफॉर्मेंस करोगे, चाहे प्री हो चाहे मेंस एग्जाम हो। ठीक है, ये देखिए मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर पूरा प्लान आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है, करना क्या है SSC एग्जाम में जाना है, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन में जाना है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके फिर ₹500 पर मंथ में जाना है, EMI का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है ₹500 और ₹300 पर मंथ अगर आप 24 महीने का लेते हो तो, फिर रेफरल कोड पूछेगा तो यहाँ पे भुवनेश10 है जो कि आपको डालना है, जो ₹500 है वो घट के 450 रुपए पर मंथ हो जाएगा
और जो 300 रुपए पर मंथ है वो घट के 270 रुपए पर मंथ है जो कि हो जाएगा। मेरे अलावा आपको सारे सब्जेक्ट की भी क्लासेस मिलेगी। क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में कटप्पा का निधन हो गया, परंडा कटप्पा निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े थे? ठीक है, बाहुबली वाले कटप्पा नहीं है दोस्तों, आपको बताना है किस खेल से जुड़े हुए आज का मैथ नहीं।